फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है थर्सडे और आज हम लोग क्या नाश्ता बनाने वाले हैं। बज रहे हैं अभी सुबह के 8:30। तो मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक रील देखा तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसे ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा लगता है खाने में। तो मैंने दही है ये जो देख रहे हैं ये दही। मैंने ना स्टार्टिंग का ना वीडियो बनाना ही भूल गए। फिर मुझे याद आया कि ओ मुझे तो वीडियो बनाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से स्टार्ट कर दिया जाए। तो इस दही में मैंने क्या किया है, हल्दी डाला है, नमक डाला है, जीरा पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है और चाट मसाला डाला है, ठीक है। और प्याज को छोटे छोटे बारीक करके मैंने इसमें डाल दिया है। और इसे हमें थिक बैटर बनाना है। और इसमें हमें तड़का लगाने के लिए क्या चाहिए, करी पत्ता, राई, जीरा, फ्लैक्सीड ऑप्शन है, अगर आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। तो हमें क्या करना है कि एक चम्मच तेल लेना है। हमने इसमें ना लाल मिर्च पाउडर डाला है इसलिए हरी मिर्च नहीं डालेंगे। और मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ गाइस, आप भी इसे ट्राई करिए, बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना था। तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, फिर डाल दूंगी ढेर सारा राई। ये सब जब लाल हो जाएगा तो इसमें ना दाल भी, उड़द की दाल भी डाल देंगे। तो मेरे पास ना उड़द की दाल है, मैं क्या डालूँ, तो मैं सोचा कि उसको हटा ही देती हूँ उड़द की दाल को। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। और मैंने अपने गार्डन में से, मैंने छत के गार्डन में से करी पत्ता निकाल के लाया है तोड़ के, मतलब इसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो थोड़ा सा आप इधर कॉन्सेंट्रेट करिए, देखिएगा इस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। तो ये हमारा, अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना करी पत्ता डाल देंगे। आप जरूर बताइएगा और घर में जरूर ट्राई करिएगा। 5 मिनट में लग जाता है, ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा आपको। ये रही तड़का, तड़का। तो इसे हम अच्छे से लाल कर लेंगे। तो ये हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। कम पड़ जाएगी तो इसे थोड़ा सा हम पतला करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अब क्या करना है, हमें ऐसे तेल लगाना है, उसके बाद जो हमारा ये ब्रेड है, ये नॉर्मल ब्रेड है, इसको हम इसमें ड्रिप करेंगे। ये अच्छे से दोनों साइड से, तो उसके बाद हम इसे फिर डाल। तो अच्छे से पका लेंगे दोनों साइड से। तो हम क्रिस्पी हो जाए जब तक थोड़ा सा ऊपर कर लूँ कैमरा, तो ये टेस्ट नहीं दिख रहा है ना। और फिर जब देख दिखता है तो बात ही करने में मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी। ओ माय गॉड, मैं तो पति उल्टा हो गया, ये ना पति मेरा बार बार उल्टा हो जाता है, मैं इसको ना बार बार भी ना करती हूँ। ये रील्स बहुत वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, ऐसे ऐसे जिसका मंगल से चल रहता था वो वीडियो बना दी। ओ माय गॉड, मैं तो पति उल्टा हो गया, तो मैंने अपने पति को सीधा कर लिया है।
ब्रेड ना इतना सॉफ्ट हो जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। तो बस जस्ट हमारा ब्रेड होने ही वाला है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। एक्सपेरिमेंट करने क्या, दरअसल क्या है ना, इस एक्सपेरिमेंट में ना हमने जो दूध का जो मलाई रखा था वो बचा हुआ है, तो ये मलाई मेरा बेटा खाता नहीं है, तो मैं इस मलाई को भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके इस मलाई को इसमें डाल दूंगी। पहले याद आता हूँ तो पानी ही नहीं डालती, मैं इसी मलाई को डालूंगी। तो ये भी क्रीम है, तो खाने में मुझे लगता है बहुत टेस्टी लगेगा। और अगर हम क्रीम दही, ये जो दही है वो तो क्रीम ही था हमारा, मुझे लगता है हमारा ब्रेड हो गया है। वन टू थ्री पास फोर, यही वाला है हमारा ब्रेड। ओके यार मैं निकालती हूँ, मैं वन माय गॉड, ये तो सॉफ्ट भी हो गया है। खा तो मैं सकती नहीं हूँ, आज थर्सडे है, मैंने अभी नहाया नहीं है, इसलिए मैं पहले नाश्ता दे दूँ फिर नहाऊंगी। तो आप लोग भी इसको बनाइए, खाइए और टेस्ट करके मुझे इसी वीडियो में आके बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को खाने में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो को नहीं, सॉरी मेरे पेज को नहीं, सॉरी ये तो प्रोफाइल है, मेरे प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। बाय बाय।